हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप अनियन जूस को यूज़ करके आपकी हेयर फॉल को एकदम रोक सकते हैं और आपकी हेयर को रिग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी हेयर ठीक से नहीं बढ़ती है, ठीक से नहीं ग्रो होती है, तो आप अनियन जूस को यूज़ करके आपकी हेयर को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। अनियन जूस में भरपूर मात्रा में सल्फर होती है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। हमारी हेयर फॉल की मेन जो रीज़न है हमारी हेयर से सल्फ़र का कम हो जाना। सल्फ़र जो होती है हमारी हेयर में केराटिन उत्पन्न करने में मदद करती है, और अगर केराटिन उत्पन्न होना कम हो जाती है तो हमारी हेयर फॉल बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारी हेयर पर सल्फ़र का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सल्फ़र का जुगाड़ करती है अनियन। अनियन में भरपूर मात्रा में सल्फ़र होती है, जिससे हमारी हेयर पर ज़रूरी मात्रा में सल्फ़र पहुंचती है और हमारी हेयर फॉल दूर हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, हमारी हेयर फॉल की एक और भी रीज़न होती है, जो है हमारी हेयर पर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। ऑनियन में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे हमारी हेयर की जड़ों से बैक्टीरिया और फंगस दूर हो जाती है और हेयर फॉल भी दूर हो जाती है। एंड अनियन हमारी हेयर को जल्दी बढ़ने में भी मदद करती है। तो आपको बस सिंपली एक अनियन लेना है, अनियन को ब्लेंडर में डालना है, छोटी छोटी पीसेस में काट के उसे मिक्सी में डालना है और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसे स्ट्रेनर की मदद से जूस निकाल लेना है। अगर आपके घर में मिक्सी नहीं है तो आप कद्दूकस करने की जो छोटी छोटी टूल्स होती है उसमें अनियन को कद्दूकस करके फिर उसके जूस निकाल सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से अनियन का जूस निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी हेयर बहुत बड़ी है तो आपको दो अनियन के जूस चाहिए, अगर आपकी हेयर मीडियम साइज़ का है तो आपको एक अनियन के जूस से काम हो जाएंगे, और अगर आप बॉय है छोटे छोटे बाल है तो आपको आधा अनियन के जूस से हो जाएंगे। तो अनियन का जूस निकालने के बाद आपको उसमें एक और चीज़ डालना है, वो है कैस्टर ऑयल। फ्रेंड्स, कैस्टर ऑयल जो होती है हमारी हेयर को घने मजबूत एंड लंबे बनाने में मदद करती है। तो आपको यहाँ पर 2 टीस्पून कैस्टर ऑयल अनियन जूस में ऐड करना है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल ना हो तो आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको इसे आपकी हेयर पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, याद रखिए आपको आपकी हेयर की जड़ों पर इसे अप्लाई करना है। अगर आप नीचे अप्लाई करेंगे, हेयर लेंथ पर अप्लाई करेंगे तो काम नहीं होगा। आपको इसे आपकी हेयर की जड़ों पर अप्लाई करना है। आप चाहे तो इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल के आपकी जड़ों पर इसे स्प्रे कर सकते हैं। फिर इसे 5 से 6 मिनट तक हल्के हाथों से जड़ों पर मसाज कीजिए ताकि आपकी हेयर पर ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। इसे आपको पूरी रात नहीं रखना है, मतलब रात को सोने से पहले आप इसे यूज़ मत कीजिए। आप आपकी हेयर को वॉश करने के 1 घंटे पहले इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसे मैक्सिमम 1 घंटे ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसे 1 घंटे रखने के बाद हेयर को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस ट्रीटमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अनियन की स्मेल बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये हेयर से आसानी से नहीं जाती है। इसीलिए आप जब शैम्पू करेंगे तो स्ट्रांग फ्रेग्रेंस वाली कोई शैम्पू यूज़ कीजिए, या फिर अनियन में आप थोड़ी सी आपकी पसंद की कोई भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस वाले एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, जिससे अनियन का स्मेल कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में 3 से 4 बार फॉलो करना है। आपको इसे रोज़ अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। 1 बार 2 बार 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते से आपको काम नहीं होगा। आप पेशेंसली इसे 1 से 2 महीने फॉलो कीजिए, तब भी आपको रिजल्ट मिलेंगी। अगर आप इसे पेशेंसली 2 महीने तक फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। आपके हेयर फॉल एकदम दूर हो जाएंगे और आपकी हेयर जो है पहले से फास्ट ग्रो होगी, आपकी नई बाल आना भी शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं, अगर आपकी हेयर अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती है, तो इस ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये टिप्स आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे से और वैसे वीडियोज़ के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।